हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में आपको नोकिया 5.1 प्लस का हार्ड रिसेट कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो पावर बटन है वो मैं प्रेस करके पावर ऑफ करता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। और फिर आपको चार्जर लगाना ज़रूरी है, अगर आप चार्जर नहीं लगाते तो फ़ोन अंदर नहीं जाएगा, इसलिए चार्जर लगाना ज़रूरी है। तो मैं ये अब चार्ज को लगाता हूँ। और थोड़ी देर दोस्तों वेट कीजिए। अब और फिर ये जो यहाँ पे पावर बटन है और ये जो वॉल्यूम अप का बटन है, ये दोनों आपको एक साथ दबाने हैं। और जब लोगो आएगा एंड्रॉयड 1 का, उसके बाद आपको दोनों बटन्स रिलीज़ कर देने हैं। तो ये अब मैं दोस्तों यहाँ पे ये दोनों बटन है वो प्रेस करता हूँ। और अब रिलीज़ कर देने हैं। ओके, और फिर उसके बाद ये जो चार्जर हमने लगाया था वो निकाल देना है। तो अब ये मैंने निकाल दी। ओके, और फिर ये जो पावर बटन और ये जो वॉल्यूम अप का बटन है, ये दोनों आपको एक साथ दबाने हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो अब दिखाता है, क्या दिखाता है, ये रिबूट सिस्टम नाउ और वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट। तो हमें अपना फ़ोन है वो हार्ड रिसेट करना है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम डाउन करके वाइप डेटा फैक्ट्री पे लेके आया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो ये पावर बटन है वो मैं प्रेस करता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे रेड में दिखाता है, वाइप ऑल यूज़र डेटा, दिस कैन नॉट बी डन, नो, यस। तो आपको हार्ड रिसेट करना है तो यस पे लाइए। तो ये मैं यस पे लेके आया। और फिर उसके बाद ये जो पावर बटन है वो मैं प्रेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट हो रहा है, हार्ड रिसेट हो रहा है, ये हार्ड रिसेट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे देखिए। ओके, उसके बाद रिबूट सिस्टम नाउ यानी कि अपना फ़ोन चालू कीजिए। तो ये यहाँ पे मैं पावर ऑफ का जो बटन है वो प्रेस करता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे ये जो फ़ोन अपना, तो ये दोस्तों अब स्टार्ट हो गया है। यू आर नियरली रेडी टू गो, लेट्स गो। तो यहाँ पे ये हार्ड रिसेट हो गया है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।